संजय दत्त के सपने में आए पिता सुनील दत्त, कहा जहां मैंने किया पिंडदान वहीं जाकर करो पितरों वाला अनुष्ठान। सफेद पायजामा कुर्ता पहने संजय दत्त ने कितना दिया गया के पंडा को दान, 24 घंटे बाद सामने आई पूरी जानकारी। क्या जनता में कम हो गया बॉलीवुड का क्रेज, इस मामले में अभी सलमान शाहरुख से काफी आगे हैं संजय दत्त। कहते हैं पूर्वज जब सपने में आकर कोई दुख बताने लगे तो समझिए कि सही से उनका श्राद्ध नहीं हुआ है या फिर वो मुक्ति की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संजय दत्त की ये तस्वीर देखने के बाद कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सपने में उनके पूर्वज आए थे। इसके अलावा कई लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि पिंडदान जब अश्विन के महीने में होता है तो संजय दत्त पौष के महीने में गया क्यों गए, क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार का अलग शास्त्र चलता है, तो ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले सपने वाला किस्सा सुनिए। पिता सुनील दत्त से संजय का गहरा लगाव था। जब संजय जेल गए थे तो दिल्ली से मुंबई तक सुनील दत्त ने मदद की गुहार लगाई थी, पर किसी ने नहीं सुनी सिवाय बाला साहब ठाकरे के। सुनील दत्त हर पिता की तरह अपने बेटे को आजाद देखना चाहते थे, निर्दोष देखना चाहते थे, पर ऐसा जीते जी नहीं हो पाया। साल 2005 में सुनील दत्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद एक बार संजय दत्त ने कहा था, आज जब निर्दोष साबित हुआ हूँ, अदालत ने भी ये मान लिया कि मैं बेगुनाह हूँ, तो पिताजी पास नहीं है। सोचता हूँ कि काश वो सामने होते और देख पाते कि उनका बेटा आजाद है। आज भी संजय दत्त अपने पिता को याद कर भावुक हो जाते हैं। चार्टर्ड प्लेन से जब वो मुंबई से गया पहुँचे तब भी उनके चेहरे पर एक अलग भाव दिखा और पिंडदान के वक्त तो इतने भावुक हो गए कि आंखों से आंसू पोंछने लगे। तो ये जो पिता पुत्र का लगाव है वो सबसे अद्भुत है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार सुनील दत्त ने संजय को सपने में आकर कहा कि जहां मैंने पिंडदान किया था वहीं जाकर पिंडदान करो, तब सबको मुक्ति मिलेगी। उसके बाद संजय दत्त की टीम ने गया के पंडा से संपर्क किया और फिर वहीं पर अनुष्ठान करवाया जहां सालों पहले सुनील दत्त ने जाकर श्राद्ध किया था। फिलहाल संजय दत्त ने दान कितना दिया इसका खुलासा नहीं हुआ है, शायद वो इसे गोपनीय रखना चाहते हैं। पर एक अनुमान के मुताबिक 4 से 5 लाख रुपए तक का दान संजय दत्त ने किया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। हालांकि पौष महीने में पिंडदान वाली बात कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका भी जवाब जान लीजिए, फिर बताते हैं शाहरुख और सलमान से संजय किस मामले में अलग हैं। पौष माह की अमावस्या तिथि को छोटा पितृपक्ष कहा जाता है और इस बार स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा था। इस योग में किए गए हर काम सफल होते हैं। पितरों की मुक्ति से लेकर करियर में सफलता के लिए पिंडदान जरूरी है। यानी अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, परिवार में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो पितरों की पूजा जरूरी हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। हालांकि विज्ञान के जमाने में शास्त्र मानने वालों की संख्या इस कदर कम होती जा रही है कि गया में पिंडदान के लिए जहां पहले 108 वेदी थे तो वहीं अब सिर्फ 48 बची हैं। कहते हैं गया में ही भगवान राम ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था, इसलिए इस जगह का महत्व तो और बढ़ जाता है। लेकिन आजकल के युवा इन बातों को नहीं सोचते। वो सलमान खान की तरह बाल बढ़ा सकते हैं, शाहरुख की तरह दिल लगी कर सकते हैं, पर कोई स्टार अगर मंदिर जाए पूजा करे तो वो उसे नहीं अपनाएंगे। संजय दत्त शुरुआत में जिस तरह के व्यवहार वाले व्यक्ति थे और आज जिस तरह का बदलाव उनके अंदर दिख रहा है वो यही दिखाता है कि बुढ़ापा आते आते इंसान कितना बदल जाता है। शाहरुख सलमान संपत्ति के मामले में भले ही संजय दत्त से आगे होंगे, शाहरुख के पास जहां 6000 करोड़ की संपत्ति है तो वहीं सलमान के पास करीब 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पर 250 करोड़ की संपत्ति वाले संजय दत्त की बात आज भी अलग है। ऐसे में संजय दत्त की इस तस्वीर पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।